चुनाव आते ही मुंगेर में अवैध हथियारों की मंडियां सजनी शुरू हो जाती हैं और अवैध हथियारों की मांग शुरू हो जाती है। चुनाव के दौरान ये बंदूकें न गर्जें, इसके लिए पुलिस लगातार उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां इनका कारोबार चल रहा है। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने 19 देसी कट्टा, 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 315 बोर की 9 गोलियां, 2 मैगजीन, 7.65 mm की 4 गोलियां बरामद की हैं। हथियारों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि दियारा इलाके से हथियारों के एक बड़ी खेप के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इस सूचना के बाद इलाके की रेकी की गई, जहां से सभी सामान बरामद हुआ है। दियारा क्षेत्र में अवैध हथियार के मूवमेंट की सूचना मिली थी। पहले सूचना को कंफर्म किया गया, उसके लिए जो है जिला सूचना इकाई को रेकी करने के लिए भेजा गया। रेकी करने के बाद जब सत्यापित हुआ कि वहाँ पे ऐसा भारी मात्रा में हथियार मिल सकता है और वहाँ पे क्रिमिनल्स का जमावाड़ा भी है, उसके बाद जो है उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई। रात्रि से ही ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सुबह पौ फटते ही उन लोगों में नज़र थी तथा सर्विलांस किया जा रहा था हर तरह से जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा उनके मूवमेंट की। और जैसे ही वो लोग दुमंता घाट के पास पहुंचे तो वहां से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और हथियार जो है वो उनके पास से करीब काफ़ी भारी मात्रा में हथियार मिला है। 7.65 mm की पिस्टल मिली है, 19 देसी पिस्टल मिली है, 2 मैगजीन मिली है, 23 गोलियाँ मिली हैं, 1 बाइक भी मिली है और ये जो है 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए लोगों में दिलीप सिंह और अंशु कुमार हथियारों की खेप लेकर पटना, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर में आपूर्ति करने वाला था, लेकिन एन मौके पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिलीप सिंह ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अंशु कुमार आर्म्स डीलिंग में बिचौलिए का काम करता है। इसके घर में छापेमारी के दौरान पुलिस 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट।